हेलो गाइस, मैं न्यू लोक में आपका स्वागत हूँ। गाइस आज हम आपको मस्जिद दिखाने वाले हैं। गाइस जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना वो मस्जिद, गाइस जो 30 रोजों के बाद ईद आती है ना उसमें हम ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं। गाइस मैं मुसलमान हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ गाइस। तो मस्जिद के मौलवी का नाम है गाइस सखी खां, और आपको मस्जिद अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ओपी जरूर से लिख देना। चलो गाइस चलते हैं और आपको मस्जिद बताते हैं। चलो गाइस, तो गाइस जो तालाब वाला व्लॉग में आप कमेंट नहीं करे 50 कमेंट जल्दी से जल्दी कर दो गाइस। फिर आएगा रूम वाला व्लॉग, जो सर का रूम है वो हम दिखाएंगे। तो ये मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो तालाब वाले व्लॉग में, और इसमें भी कर देना, इस व्लॉग में कमेंट कर देना ओपी। तो ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। चलो ये देखो, ये मस्जिद की मतलब दीवार है ना, हो है बाहर वाली, अंदर से भी दिखाएंगे ये बाहर वाली दीवार। चलो गाइस अंदर चलते और आपसे बात करते। चलो तो गाइस ये है मस्जिद का गेट, और अंदर से आप लोग देख सकते हैं मस्जिद, और यहाँ पे ताला लगा हुआ। मेरे को दीवार के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतने सारे बावल है गाइस। तो ये बावल सखी मोहम्मद से विनती है कि ये बावल कटा दे, और फिर मस्जिद के पास में बावल नहीं रहेंगे। उधर वाले कटा दे और ये वाले इधर वाले, फिर मस्जिद एकदम साफ सुथरी रहेगी। तो अंदर से भी आप लोग देख सकते हो, देखो ऐसी गाइस। चलो गाइस अंदर चलते हैं और आपको दिखाते। तो गाइस मैं यहाँ से अंदर आ चुका हूँ। चलो गाइस आपको मस्जिद के बारे में बताते हैं। गाइस मस्जिद जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, गाइस मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ ईद के दिन। तो गाइस यहाँ पे एक नीम है, देख लो गाइस ये नीम है गाइस। तो गाइस ये अभी कुर्सियाँ बनाई हुई, यहाँ पे कमरे बनेंगे गाइस। और ये बेड देख लो गाइस, घास फूस है गाइस, देख लो यहाँ पे भी एक आंकड़ा है गाइस, इसको आंकड़ा बोलते हैं गाइस। इधर भी एक आंकड़ा है गाइस, और इसके अंदर पड़ी जाती है नमाज। और ये एक इधर कमरा है। चलो चलते गाइस अब इसके अंदर चलते और आपको बताते। तो जूते बाहर उतार देते गाइस, ये जूते बाहर उतार दे, फिर हम अंदर जाएंगे। अगर आप किसी मंदिर के अंदर जाते हो जब जूते उतार के जाते हो ना, इसलिए हम भी जूते उतार के जाते हैं। चलो तो अंदर से आप लोग देख सकते हो ऐसी है मस्जिद। चलो गाइस चलते हैं अंदर। ये गेट इस प्रकार का, इसको खोलना पड़ता है। चलो इसको खोलते। तो गाइस खुल चुका है गाइस, देख ये गाइस हम आ चुके हैं अंदर। तो गाइस आपको बताते नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पे। चलो देख मौलवी कहाँ बैठता वो भी आपको बताते। चलो जो सखी मोहम्मद है, तो ये है गाइस मौलवी की जगह, यहाँ पे सखी मोहम्मद नमाज पढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो हम सब बैठते हैं, यहाँ पे जो बड़े लोग यहाँ पे सब बैठते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं नहीं बैठूँगा गाइस, क्योंकि ये मौलवी की जगह है, यहाँ से पढ़ाते और सब लोग पढ़ते। और ये गाइस ये मेरे को नहीं पता क्या गाइस, ये देखो ये दीवारें हैं, ये अभी पुराना हो गया, देखो इसके अंदर घास फूस भी मतलब उगने लगे, ये देखो गाइस। तो गाइस कैसी मस्जिद कमेंट करके बताना। सखी मोहम्मद से विनती है कि ये सब ठीक करा दे ये सब। तो ये व्लॉग आगे से आगे जाना चाहिए गाइस सखी मोहम्मद के पास, तभी तो ये आंकड़े वगैरह काटेंगे ना, नहीं तो नहीं काटेंगे। चलो गाइस आपको मैंने मस्जिद तो बता दी, अब चलते हैं बाहर। तो ये मैं गेट था उस प्रकार, ये गेट वापस दे दूंगा गाइस।
ये गैट मैंने ऊपर से दे दिया गाइस, देख लो अभी यहाँ से देता हूँ मैं, ये गाइस यहाँ से दे दिया गाइस, ये देखो गाइस ये कमरा है गाइस। कमरा मैं आपको बता देता पर इसकी मेरे पास चाबी ही नहीं है, ये सखी मोहम्मद के पास चाबी होगी इसलिए नहीं बता सकता। और गाइस देखो मेरे पैरों का हाल क्या है, ये सब जो ईद के दिन नमाज पढ़ने आते उनके पैरों में ऐसे चुभते, इसलिए मैं सखी मोहम्मद से विनती करता हूँ ये सब साफ करा दे। देखो मेरे पैरों उधर टॉयलेट वगैरह, मतलब कोई वजू करे तो उधर है जो टॉयलेट वगैरह उधर है, तो ये कुछ लिखा हुआ है गांधी जी का ये नारा, स्वस्थ हो देश हमारा, ग्राम पंचायत सिनावड़ा पैसाकड़ा पोखरण। देखो गाइस इसी मस्जिद कुछ प्रकार की, इस कमरे के ऊपर चलते और आपको पूरी ऊपर से मस्जिद दिखाते हैं। चलो गाइस तो इधर तो आपको थोड़ी थोड़ी दिखी होगी, मतलब ये दीवार है उधर से आपको नहीं दिखी होगी, वो पूरी बताएंगे ऊपर चढ़ के। तो गाइस ऊपर चढ़ने ये आगे देखो क्या है आंकड़ा गाइस, चलो इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा गाइस, अगर गिर गया ना तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो गाइस हड्डी पसली एक तो होगी होगी, चलो गाइस चढ़ते हैं। ये अगर आंकड़ा काट देना तो अच्छा रहता। चलो गाइस मैं के फोन बंद करता हूँ और ऊपर चलता हूँ। गाइस अभी मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा और गाइस ये सीमेंट अभी टूट गई थी, अभी मेरी हड्डी पसलियाँ एक हो जाती सीधा इस आंकड़े पे हो जाता हड्डी पसली एक। चलो गाइस आपको मस्जिद बताते हैं, गाइस देख लो अभी मैं ऊपर हूँ गाइस, कमरे के ऊपर कुछ नहीं गाइस, और गाइस ये देखो ये मस्जिद है। चलो गाइस अब चलते नीचे और सीधे बाहर, चलो बाहर इतने भी तकलीफ होगी गाइस, यहाँ से गाइस गिर गया तो हड्डी तो एक होगी होगी, फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा गाइस, इसलिए अभी भी अर्धवार्षिक चल रही है गाइस, इसलिए नहीं तो स्कूल जाना तो मैं खुद गिर जाता हड्डी पसली एक हो जाती मेरी। अभी गाइस अर्धवार्षिक चल रही है इसलिए स्कूल जाना है गाइस, अर्धवार्षिक में गाइस मैं नहीं गया तो मेरे को ईयरी में फेल कर देंगे। चलो गाइस चलते, और गाइस ये आपको मेरे बाल कैसे लगे देख लो गाइस, ये आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट में ओपी लिख देना और मस्जिद के लिए भी ओपी लिख देना। चलो गाइस बाहर चलते, अभी हम बाहर जा रहे हैं, ये रहा गाइस गाइस देख लो, मैं तो गाइस दीवार के ऊपर से जाऊंगा, चलो दीवार से ऊपर से निकलते हैं। ओ गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ गाइस, चलो गाइस अब व्लॉग को एंड करते, और मैं एक बात और कहता हूँ गाइस ये बाउली वगैरह सब कटा दे, सखी मोहम्मद से विनती है गाइस। चलो गाइस लाइक कर देना और मस्जिद के लिए ओपी लिख देना और मेरे बालों के लिए भी ओपी लिख देना गाइस। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।